मैं आईना देखती हूँ तो खुद को देखती हूँ, बिल्कुल उससे भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ। मैं उसी चीज के तो फोटो ले रही हूँ जो खराब है, जो बिगड़ा है, कुछ आउट ऑफ प्लेस है, वही तो सब्जेक्ट है। एक्चुअली खूबसूरती हर चीज में है, एक जापानी कॉन्सेप्ट है। दोस्तों नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज एक डिफरेंट तरह का वीडियो देने जा रहा हूँ जिसमें दो आर्टिस्ट यंग हैं, एक पेंटर है और एक कैमरे से स्टोरी टेलिंग करती हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस दिखाने का प्रयास करने जा रहा हूँ कि वो क्या बातें करते हैं। एक हैं उनमें फोटोग्राफर इस कदर के कि वो उनका नाम है ऋत्विका रानी, जो अपने कैमरे से या मोबाइल से स्टोरी टेलिंग करती हैं। और दूसरी हैं संध्या वैश, संध्या पेंटर है, तमाम देश की गैलरियों में इनकी प्रदर्शनी लग चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का मेरा ये प्रयास है, एक फोटो आर्टिस्ट और एक पेंटर मिलते हैं दोनों, अगर यंग हैं तो क्या क्या बातें करते हैं। तो एज एन आर्टिस्ट, एज आप पेंटिंग करती हैं या जो भी आपका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, पहली चीज आपके दिमाग में आती है वो क्या होती है? फर्स्ट तो मेरी चाय है। जरूरी है। आपने मॉर्निंग का फर्स्ट पूछा ना, तो वो मैंने इसलिए बोला। एंड उसके बाद में हाँ ये रहता है कि वो चाय इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो चाय पीते पीते ही इसलिए मुझे लगता है कि वो मुझे ना बुला रहा है, कैनवस कह रहा है मेरे को ये बनाओ, ये बनाओ। तो उसमें ये नहीं कि कभी फिगर इच्छा पूर्ति करते, हाँ कभी कुछ। तो मैं उससे बेसिकली प्लेन कैनवस से भी बातें करती हूँ, इसमें क्या उभर रहा है। वाओ, ये मैं आर्टिस्ट ज्यादा हूँ। ओके, ठीक है। मैं जिंदगी को भी आर्ट के तरीके से जीती हूँ, इसलिए लोगों को जरा सी दिक्कत हो जाती है। वो तो है, वो मैं उठते ही मेडिटेट करती हूँ, ज्यादा नहीं, एक मिनट दो मिनट बट हो गया। आर्टिस्ट का काम ही है ना, आप अपने कैमरे से अपने थॉट्स, मैं वही चीज कैप्चर करना चाह रही हूँ। समा वही चीज है, कैसा समा बांधा है तुमने। तो आपका जो इंस्पिरेशन का सोर्स है वो पर्सनली आपको क्या ड्राइव करता है, व्हाट इंस्पायर्स यू? मेरे जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, जैसे कि कभी कभी खुद को ही, अगर मैं उसको अपने आप को भी एक सब्जेक्ट मान लेती हूँ, और बेसिकली अभी जो मैं पेंटिंग कर रही हूँ वो उसमें सब्जेक्ट मैं ही हूँ, बाकी जो है एरोटिक वो ऑब्जेक्ट वो बैकग्राउंड है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उस पेड़ पे जाके फोटो क्लिक करा लूँ और या वहाँ बैठ के कुछ कैनवस पे ड्रॉ कर लूँ। कहाँ पे मेरा गोल है, मुझे क्या करना है, अर्जुन के तीर की तरह, कि कोई कुछ भी बोले कि ये बनाओगे तो ये नहीं होगा, मार्केट पसंद नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अभी मैं एरोटिक फिगर कर रही हूँ तो लोग उस पर बात भी नहीं करना चाहते, जबकि मुझे लगता है कि वो लोग अच्छे थे जिन्होंने खजुराहो में इतने कई सौ साल पहले बना डाला उन्होंने, तो वो हम लोगों से ज्यादा बोल्ड और प्रोग्रेस कर रहे थे। नॉर्मल लोगों को जो विजुअल स्पेक्ट्रम में 10 कलरें दिख रही हैं, आर्टिस्ट को भयानक तरीके से या तो काली काली सफेद दिखेगी, वो जो देखना चाह रहा है वो देख पा रहा है। तो टॉकिंग अबाउट द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक, जैसे मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ, मेरे फोटोग्राफ्स मैं भी बहुत तरीके के लेती हूँ, मूड के हिसाब से, पैसे की वजह से, प्रोफेशनलिज्म की वजह से। अब मार्केट से फोटोग्राफी ले रही हूँ या किड्स फोटोग्राफी ले रही हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी कर रही हूँ मैं, बट मेरा तरीका नहीं बदलेगा। वो आपका मेरे लॉजिक, मेरा थॉट प्रोसेस, मुझे क्या चाहिए वो कोई डिक्टेट नहीं कर पाएगा। वो बोलेंगे इस बिल्डिंग का फोटो लेके आ जाओ, 5,000 देंगे, बट हम 5,000 लेने वाला फोटो लेके आएंगे, पर जो हम अपने लिए लेंगे वो बोलेंगे सर ये अच्छे नहीं है, ये आपके काम के नहीं है, ये मेरे पास रहने दीजिए, मैं सेलेक्ट करके भेजती हूँ, आप उसमें से भी सेलेक्ट कीजिए, मैं एडिट करके भेजती हूँ। ठीक, उनको वही लगेगा कि वाह 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 बहुत है। मैं पहले आंखों से स्कैन करती हूँ सब, व्हाइट बैलेंस नाप तोल मेरे पास क्या है, देन दैट बटरफ्लाई इज गोइंग टू डिक्टेट मी कि रुको मुझे बैठने दो। वो मेरा सब्जेक्ट है, जब मैं मेरे सब्जेक्ट हूँ तो गाइड भी मैं ही कर रही हूँ, तो इजी बात है। सेल्फ पोर्ट्रेट्स किसी अच्छे आर्टिस्ट के लिए सबसे प्राइम होते हैं, आप मास्टरपीस भी वही बनाओगे जब आप ही इन्वॉल्व हो, और सबसे ब्लंडर वाले काम जो दुनिया बोलेगी ये क्या बहुदगी है, इसके लिए आपको 4 गालियां भी पड़ेंगी। जैसे आप खुश रहोगे एग्जाम्पल दे रहे थे, पढ़ी रही है, जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं वो भी दे दूँ ना क्लाइंट को डायरेक्टली, तो डर जाएगा, बोलेगा मैडम ये क्या है, आपने तो नीचे का फोटो ले रखा है फर्नीचर के, ये पेंट उतर रखी है, वो आपको आप इसको फोटोशॉप में ना पेंट ठीक करके दे देना। हाँ सर, हो जाएगा। आप तो कलर उतर रहा है, आर्ट है। मैं उसी चीज के तो फोटो ले रही हूँ जो खराब है, जो बिगड़ा है, कुछ आउट ऑफ प्लेस है, वही तो सब्जेक्ट है।
कि जैसे अब आपकी फोटोग्राफी से कोई आपको पहचान जाए कि ये तो उनका क्लिक किया, उनका थॉट है, तो ऐसी मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, मेरा जैसे सेकंड स्टॉक लगा ना, तो तुरंत आके बोला किसी ने, अरे आप दिल्ली से संध्या अरवेश हो? मैं कहिए, तो मैं कहा आपने पहचाना ही, आप तो बहुत देर से देख रहे थे। कह नहीं मैम, मैं आपको बाय फेस नहीं जानता हूँ, आर्ट से जानता हूँ। तो मेरे को वो जो खुशी मिली ना, सीरियसली मुझे कोई लोग आके बोले आप सुंदर लग रहे हो, आप ये लग रहे हो, तो आई एम नॉट इतना फील गुड। क्या किया है मैंने सुंदर लगने में? तो मेन है कि जब मेरी पेंटिंग के लिए कोई तारीफ करता है ना, मेरी मेहनत, हाँ, और मुझे कोई बुरा बोल दे चलेगा, आई एग्री। हाँ, मेरे काम के लिए सॉरी, बेटा है मेरा, बच्चा है मेरा, वो मेरी मतलब मेरा क्रिएशन है, मेरी साधना है, चीज है, हाँ, उसमें संध्या की साधना है। गलती से मेरी पेंटिंग के पास कोई कुछ रख देता है, गलती से कोई आ जाता है जूठा ग्लास या कुछ है, तो मैंने कहा यार प्लीज वो थोड़ा सा। जब वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई आपके काम को क्रिटिसाइज कर रहा होगा, गाली दे रहा होगा, तो आपका अप्रोच क्या रहता है? इसमें भी मैं कभी हार नहीं मानती। Nice. ठीक है, मैं सोचती हूँ कि शायद इसका टाइम नहीं आया, समय है गलत। हर चीज का ना एक वक्त होता है, बिल्कुल ठीक है। आज हम यहाँ बैठे हैं, इसका भी वक्त है, तो उसी तरह से उस आर्ट का भी वक्त है। बैलेंस करना, बेसिकली बैलेंस और पेशेंस, जो मुझे लगता है हर फील्ड में हर जगह पे आपको चाहिए। और एक है द शॉर्टकट, शॉर्टकट कभी नहीं। मैं ना तो काम में लेती हूँ, मैं ना रोड पे शॉर्टकट लेती हूँ। आ रहे हैं किसी भी तरह से आर्ट फील्ड में आ रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये मतलब कि अपना फोकस रखें अपने काम पे भी, और शॉर्टकट नहीं मानना है। जब जिस चीज का टाइम आएगा तो आएगा ही, लगे रहो, करते रहो, हाँ लगे रहो, पेशेंस बहुत जरूरी है। इट वाज नाइस, अमेजिंग टॉकिंग टू यू, सेम हियर, थैंक यू सो मच।